हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 का पेपर वन। पेपर वन होता है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और हर एक कैंडिडेट के लिए ये सेम पेपर होता है। जो पेपर वन कंडक्ट किया जाता है वो 22 सब्जेक्ट्स डिफरेंट जो होते हैं उनके लिए सेम कंडक्ट किया जाता है, और जो पेपर टू होता है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होता है। तो ये है पेपर वन जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और सीरीज़ डी का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको बता दूं कि मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर वन के होते हैं 100, टाइम अलॉटेड होता है इसमें 1 घंटे का, और टोटल क्वेश्चन होते हैं 50। और इसमें जो है अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और दोनों लैंग्वेज में ये पेपर जो है कंडक्ट किया जाता है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में ये पेपर कंडक्ट होता है। और नेगेटिव मार्किंग इसमें तो बताया गया है 2018 में कि नहीं हुई थी, बाकी आप जो पेपर आपका कंडक्ट होगा 2019 का उसमें भी एक बार ज़रूर चेक कर लें, या जो भी फर्दर आपका पेपर होगा उसमें ज़रूर एक बार चेक कर लें कि उसमें नेगेटिव मार्किंग हो रही है या नहीं हो रही है। बात करते हैं अब इसके पहले क्वेश्चन से। तो पेपर वन का ये पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा गया है डिफरेंट जो टेबल बता के ए और बी सेक्शन बताई गई है, और इसमें बताया गया है कि इसमें परसेंटेज प्रॉफिट जो है दो कंपनीज़ हैं जो कि ए एंड बी है, और उन्होंने कमाया है ड्यूरिंग द ईयर्स 2011 से लेके 15 तक। तो इसमें आपको इस डाटा के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो जो प्रॉफिट अर्नड बाय टू कंपनीज़ है वो ये इतना है, यानी कि 2011 में ए के द्वारा इतना कमाया गया, बी के द्वारा इतना था। तो इस तरह से ये आपके पास दिया हुआ है। वेयर जो परसेंटेज प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला यहाँ पर ये जो है इसमें लगाया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो बनेगा वो पूछा गया है कि इफ़ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंपनीज वॉज रुपीज़ 9 लाख इन द ईयर 2012 एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनीज ए एंड बी वॉज इन द रेशो 2:1, देन वट वॉज द इनकम ऑफ द कंपनी ए इन दैट ईयर। तो इसमें बताया गया है कि टोटल जो दोनों कंपनीज का एक्सपेंडिचर है वो है 9 लाख रुपया 2012 में, और एक्सपेंडिचर की रेशो है 2:1। तो जो ए कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा यहाँ से 6 लाख रुपया, और इनकम ऑफ कंपनी ए निकालनी है हमें 2012 में। तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे 35 इज इक्वल टू इनकम माइनस 6/6 इंटू 100, और आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन, दैट इज़ ₹8.1 लाख। ये इसका जो है आंसर होगा पहले क्वेश्चन का, जो कि है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय कंपनी बी, तो इसका एवरेज निकाल लेंगे जो कि आएगा ए ऑप्शन 38%। नेक्स्ट जो टेबल है उसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक, तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है जो एक्सपेंडिचर हुआ है एक बुक को पब्लिश करने में, तो जो कि है बजट हेड ये बताया गया है उस लाइन में, और एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो कि परसेंटेज में है वो इस तरफ यहाँ पर बताया गया है कितना कितना परसेंट किसके लिए यहाँ पे खर्च किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो है इफ़ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज़ टू पे ₹30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। तो इसमें हम यहाँ पे इसमें निकालना है कि कितना अमाउंट ऑफ रॉयल्टी जो है पेड करना होगा इन बुक्स के लिए। तो इसमें जो पब्लिशर ने पे किया 30,600, इसका जो है हमें निकालना है कि प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो कितनी पड़ेगी टोटल। तो यानी कि जो टोटल मिला के कॉस्ट है उसमें से ये प्रिंटिंग कॉस्ट बनेगी 30,600। तो यानी कि यहाँ पे कितना बताया गया है प्रिंटिंग कॉस्ट जो होगी 20%, तो हमें 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30,600 करना है, जहाँ से टोटल जो निकल के आएगा वो आएगा 1,53,000, जो कि पूरा एक्सपेंडिचर इस प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है, और रॉयल्टी जो पेड करनी होगी वो है यहाँ पे 15%। तो उस टोटल अमाउंट यानी कि 1,53,000 का 15% करेंगे, और उसका आंसर आएगा यहाँ पे सी ऑप्शन ₹22,950। तो सबसे पहले तो टोटल अमाउंट निकालना है इस पूरे एक्सपेंडिचर के लिए, क्वांटिटी ऑफ बुक्स के लिए कितना है, तो ये आएगा 1,53,000, और रॉयल्टी का अमाउंट आपको पता करने के लिए 15% ऑफ दैट अमाउंट करना होगा, जो कि आएगा यहाँ पे ₹22,950। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें कि प्राइस ऑफ बुक इज़ मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज़ ₹180, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे बी ऑप्शन ₹37.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5,500 कॉपीज़ आर पब्लिश्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम
amounts to rupees 82,500 and what should be the selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%? तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन रुपीज 187.50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन तमिलनाडु। GIF मींस, इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि डी ऑप्शन। मिस्टर चान वॉन्ट्स टू रजिस्टर अ डोमेन नेम यूजिंग हिज नेम चान ताइमान, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम्स इज नॉट वैलिड, तो इसमें से जो डोमेन नेम वैलिड नहीं होगा वो है बी ऑप्शन chantaiman.com.org। विच इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कैटलाइज ई गवर्नेंस एक्टिविटीज, तो ये किया गया था बी ऑप्शन NIC। इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन ईच फ्रेम इज डिवाइडेड इन टू स्मॉल ग्रिड्स कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट और पिक्सल्स, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर परमिटेड नॉइस लेवल यूनिट्स, तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, जो यहाँ पे ABC दिया हुआ है इसमें से कोई भी मैच नहीं करता है। हु बैंड द मांझा यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है बैन किया गया, तो इसका आंसर होगा 12th का बी ऑप्शन। IRB 2020 इज कंसर्न्ड विद, तो IRB 2020 कंसर्न्ड है राइनोसेरोस के साथ, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कलेबरेटिंग विद होम फॉर रियल टाइम रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, तो ये किया गया बी ऑप्शन इंटेल के साथ। सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे वॉज रिकमेंड एट द 1992 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरियो, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द आइडिया ऑफ फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाई यूनेस्को, तो जो चार स्तंभ हैं एजुकेशन के उसका आइडिया कहाँ से सजेस्ट हुआ, यूनेस्को के द्वारा, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक असर्शन दिया हुआ है और उसके नीचे ही उसका रीज़न भी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, या तो दोनों ट्रू होंगे या कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी, तो इसमें बताना है। तो असर्शन देखें अगर, तो असर्शन यहाँ पे दे रखी है द बर्थडे ऑफ इंडिया सेकेंड प्रेजिडेंट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे, और इसका रीज़न यहाँ पे दे रखा है द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टू स्ट्रेंथन द इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है डी ऑप्शन, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो असर्शन जो है यहाँ पे फॉल्स है लेकिन रीजन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही बताया गया है। तो नेक्स्ट अब देखें क्वेश्चन, इसमें द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एम्स एट, तो नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन जो है उसका एम क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट इज In 2018, which of the following has been ranked the best college in the country as per the National Institutional Ranking Framework? So, 2018 में किसको रैंक किया गया था बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री एज पर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो ये किया गया था मिरांडा हाउस दिल्ली, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 19th का फुल फॉर्म ऑफ स्वयं यहाँ पे बतानी है, तो स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, अकॉर्डिंग टू रिटली 1999 कंकॉर्डेंस रेट्स ऑफ IQ स्कोर्स आर 86% फॉर आइडेंटिकल ट्विन्स रियर टुगेदर एंड 55% फॉर फ्रेटर्नल ट्विन्स रियर टुगेदर, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट IQ स्कोर्स, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि रिडले 99 के अनुसार एक साथ पाले गए जुड़वा बच्चों के लिए IQ स्कोर की संवर्ती दर 86% है और एक साथ पाले हुए जुड़वा बच्चों के लिए 55% है, यह हमें IQ स्कोर के बारे में क्या बताता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज़ IQ स्कोर्स आर एट लीस्ट पार्टली डिटर्मिंड बाई जेनेटिक्स न्यूट्रिशन हैज़ एन इफेक्ट ऑन IQ स्कोर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजली एसोशिएटेड विद द साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, तो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के साथ कौन सा एसोशिएटेड नहीं है, तो यह है सी ऑप्शन केस स्टडीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मैथड्स ऑफ टीचिंग, तो इसका ऑप्शन होगा डी प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच। Peter fails in the examination and attributes his failure to the framing of faulty question paper. Which defense mechanism has he used? So Peter examination में fail होता है और सारा failure का जो उसका reason होता है
वो मट देता है फ्रेमिंग ऑफ फॉल्टी क्वेश्चन पेपर पे, तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे उसने यूज़ किया है? ये किया गया है सी ऑप्शन, रैशनलाइजेशन। तो सी ऑप्शन होगा 24th का, यानी कि युक्तिकरण। रैशनलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है युक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मार्ट क्लासरूम इज अ टीचिंग स्पेस विच हैज़, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। तो चारों इसमें जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, यानी कि एक स्मार्ट क्लासरूम एक टीचिंग स्पेस है विच हैज़ स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, पीसी और लैपटॉप कनेक्शन एंड डीवीडी वीसीआर प्लेयर, डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। विच साइंटिफिक मैथड ऑफन फोकसिस ऑन जनरेटिंग न्यू हाइपोथीसिस एंड थियोरीज, तो इंडक्टिव मैथड जो है इसको कहा जाता है डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट एप्लीकेबल टू सैम्पलिंग, तो बी ऑप्शन सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है सैम्पलिंग के लिए, बाकी जो है इसमें एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टमेटिकली इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डेफिनेशंस एंड प्रिपरेशंस दैट आर एडवांस्ड टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट फिनोमिना इज नोन एज, तो इसको हम कहेंगे थ्योरी। तो सी ऑप्शन 28th का आंसर होगा थ्योरी। इन विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज एक्शन रिसर्च, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज एक्शन रिसर्च, तो 30वें का आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें पैराग्राफ, जिसमें 31वें क्वेश्चन से लेके 35 क्वेश्चन तक इस पैराग्राफ में से आपसे पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ से ये पैराग्राफ देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या वर्डिंग जो है दी गई है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो है आंसर करने होंगे। और इसके साथ ही साथ इसका हिंदी पोर्शन भी इसमें दिया गया है, जिसमें आपको इसकी हिंदी भी बताई गई है। तो ये पैराग्राफ जो है 2 पेजेस का होगा, जिसमें आपको टोटल 31 क्वेश्चन से लेके 35वें क्वेश्चन तक जो है क्वेश्चन आंसर करने होंगे। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर जो आपका पैराग्राफ है वो आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया 31st, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें से आंसर है इसरो। यूटिलाइजिंग लॉन्चिंग ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स इन स्पेस टू प्रोवाइड हायर स्पीड ब्रॉडबैंड इन रिमोट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्ट ऑफ, तो ये प्रोजेक्ट है अमेजोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। स्पेस एक्टिविटीज विल 2017 रिकमेंड्स स्पेस प्रोग्राम फॉर इंडियन कस्टमर्स ओनली। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओवर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी इज बीइंग बिल्ट बाय फिल इन द ब्लैंक स्टार्टअप्स, तो ये 75 स्टार्टअप्स के द्वारा बिल्ड की गई है। फर्स्ट लॉन्च ऑफ अ रॉकेट बाय अ प्राइवेट कंपनी इन इंडिया हैज बीन एक्सपेक्टेड टू बी इन 2021। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इसमें जो बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वो हैं मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कॉमेंट्स ऑफ कंसोलेशन। द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू सेंसेशनलिज्म एंड एक्सजरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स और व्यूअर्स, तो येलो जर्नलिज्म जो है इसे बोला जाता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज अ ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज अनइवननेस, दैट इज सी ऑप्शन। पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अकर विद इन अ मोर फॉर्मल स्ट्रक्चर, डी ऑप्शन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स अ सपोर्टिव मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट, दैट इज डी ऑप्शन। अ वेटर्स सैलरी consist of his salary and tips during 1 week, his tips were 5/4 of his salary but fraction of his income came from tips, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन 5/9। नेक्स्ट में हमें मिसिंग नंबर यहाँ पे बताना है, इसमें मिसिंग नंबर आएगा सी ऑप्शन 125। अ बुलॉक कार्ट हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 10 आवर्स, इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 टाइम, what should be its speed to cover the remaining distance in the time left, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे डी ऑप्शन 10 किलोमीटर पर आवर। ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, ई इज़ द फादर ऑफ ए, डी इज़ रिलेटेड टू ई एज, तो डी इज रिलेटेड टू ई एज डॉटर इन लॉ, 44वें का ए ऑप्शन होगा। सर्टेन कोड में सिलेक्शन को इस तरह से लिखा गया है, तो इस वर्ड को कैसे लिखा जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रू नॉलेज इज, दैट इज प्रामा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज अ मैन आउट नो मोर to value himself for being wiser than a woman, if he owes his advantage to a better education, then he ought to boast of his courage for beating a man when his hands were tied. The above passage is an example of analogical argument. If the
प्रपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, सम मैन आर ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है इसको, तो सी ऑप्शन 25 जो है लास्ट में आएगा। और 5th क्वेश्चन, फाइंड द लेटर इन द 8th पोजीशन व्हेन द अल्फाबेट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द राइट, तो ये आएगा डी ऑप्शन एस, तो एस तो है वर्ड, इसमें आंसर होगा। तो ये था गाइस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 का। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, और इस तरह के अपडेट्स आगे पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।